जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनने के लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद थे। शिक्षा मंत्री ने गेस्ट टीचर्स के मुद्दे पर कहा कि उनकी मांग सुनी गई है, अधिकारियों से सलाह ली जा रही है। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बांग्लादेश में फंसे बिहारियों को लाने का काम किया जाएगा। तो विभाग का यही निर्णय है कि इम्तहान के थ्रू, एग्जाम के थ्रू, या तो जो नए लोग थे बीपीएससी के थ्रू आए, या फिर जो सक्षमता परीक्षा के थ्रू आए, और पुनः हम लोग जो कंप्यूटर टीचर का नियुक्ति कर रहे हैं, या प्रधानाध्यापक का, या फिर प्रधान शिक्षक का, तो अभी तक व्यवस्था यही है। वो लोग हमसे मिले थे, हमने कहा था कि ठीक है, आपकी बातों पर हम जरूर अवश्य गौर करेंगे, लेकिन ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए, अभी तक तो विभाग का यही निर्णय है, चाहे किसी भी देश में अगर कोई इस तरह की घटना दुर्घटना होती है, उसके लिए भारत सरकार सक्षम है और भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। और जहां तक बिहार का सरकार की सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री बिल्कुल इन मामलों में बिल्कुल संवेदनशील रहते हैं, कुछ भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, सब लोग पूरी तरह से वापस अपने घर आएंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा।